फाजलपुर गांव को 2015 में हरियाणा की मंत्री कविता जैन ने गोद लिया था। आइए जानते हैं कि यहीं के लोगों से कि अभी तक यहां पर क्या काम हुए हैं और क्या नहीं हुए हैं। चाची यहां क्या क्या काम किया है कविता जैन? काम नहीं करा बेटा, इंदा कोई काम नहीं करा है। डांगर भी मानसिक कथी परेशान हो रहे हम, इंदा कोई काम नहीं करा हमारा। सीवर का काम हो रहा था यहाँ पे, कितना हुआ है? कुछ ना हो रहा है, नहीं पड़े पड़े बेटा, सबकी मैं पाट रखा, सारी गांव पाट दी, लेकिन घर नहीं, कोई रास्ता नहीं, कितना रास्ता कौन है? जितने भी काम करे सारे दूरे करे, आपके सामने सीवर रुक रहा हमारा, इतने मच्छर हो रहे हैं, बच्चा का भी, हमारा भी, पशुआ का भी लड़े जहाँ मच्छर। पीने का पानी कोई साफ व्यवस्था नहीं, पानी साफ पानी की। वाल्मीकि चौपाल और हमारे गांव का गांव नरक बन रहा था, तोड़ था या गंदा पानी भरा करता, बहुत बढ़िया पार्क बना दिया। कह रहे हैं कि गोद लिया है, ऐसा कोई काम नहीं करा इसने, ठीक है। हमारे यहाँ पर आने का देखो, कभी तो जाना हो चाहे कोई भी आओ, ठीक। पर यही बात है कि जो कि हम इंसान है, इसी गंदगी नाम नहीं सहन कर सकते, आप कभी भी देख सकते हो आने का, हमने ये अपनी सुरक्षा चाहिए बस। ये सीवर का जो है ये कब से पड़ा हुआ मामला है? सीवर का हो गया 6 महीने, आप 6 महीने से भरा पड़ा है, रुक जाता है, कभी कभी चालू हो जाता है, वो भी खुद हम अपने आप निकलवाते हैं, वैसे कोई नहीं लिकड़वाता आने के, आते भी हैं दो मतलब वो मार के और चले जाते। कविता जैन कभी आई थी यहाँ इस गांव में? एक बार आई थी भाई, एक बार आई थी, वो माला गलवा के भाज गया, तो कभी आई थी कविता? एक बार आई थी बस, अपना चली गई माला गलवा के, क्या करया कुछ नहीं करया, देख लो ना। तब से यहाँ जो सीवर का काम है तब से कुछ आगे बढ़ा? जब से आई थी नहीं बढ़ा। अरे हम तो उसकी कोठी पे भी गए थे, उसकी कोठी पे भी सारे काम करे, पैक 4-5 दिन बोले जाई भाई, हर 4-5 जने आए और गाड़ी लेकर फिर अपना जाते। सारी महिलाएं गई थी कोठी पर, तो उन्होंने क्या कुछ कहा था? मिली है नी नुका की, तो उसका वह KPA पे हुआ था बस, वन बोला अभी आए जी अब करेंगे, हमारे साथ में गाड़ी लेकर आगे खड़े होकर एक दो फुहारा मार कर बाज गए। इससे जो ये भरा पड़ा है यहाँ पे नाले का, इससे क्या क्या समस्या है आप लोगों को? जी हमारे बच्चों की प्रॉब्लम हो रही है, मच्छर इतने हो रहे हैं, बीमारी फैलने की हो रही है, ठीक है। दूसरा भी खराब हो रहे भाई, जो AC लग रहे ना वे भी खराब हो रहे हैं, इतने मच्छर है, जाके 5 मिनट बैठ कर देखो साथ बीमार हो गया, कविता जान पैसे लगाओगे ना, बता कौन लगाओगा? हमारे डांगर भी आराम भी परेशान है, वो खत्म 40-80 हजार की कितने लिया हुआ मैं, मगर पीछे का डिगो बैसे इसमें फंस गई थी ना, कोई बच्चा इसमें मर गया, अप्लीकेशन लिख के दी थी, कोई वो नहीं हमारी सुनवाई हुई, ठीक है। हम इस चीज के बारे में बहुत परेशान है, हमने परसों 3 दिन हुए हैं, हमने 25 आदमियों के साइन करके दिए थे, प्रॉब्लम लिख कर दी थी, पर इसमें हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। यहाँ पर जैसे आप पीछे देख सकते हैं पूरा नाला भरा हुआ है और सड़क के पास भी पानी भरा हुआ है, यहाँ इससे मच्छर और बीमारियां फैल रही हैं। यहाँ के महिलाओं का कहना है कि इनके बच्चे और पशु इससे बीमार हो रहे हैं और सरकार की इसकी कोई चिंता नहीं है। यहाँ सब लोग मिल करके कविता जैन के यहाँ इसकी शिकायत भी करने गए थे, लेकिन अभी तक उसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। कैमरामैन अजय रोहिल्ला के साथ मैं सिद्धेश्वर शुक्ला, सोनीपत, देव डिस्कोर्स। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जस्ट क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स।